यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। असद अहमद के एनकाउंटर के बाद ही पुलिस ने जानकारी भी दी थी कि यूपी एसटीएफ ने पिछले कई सालों में किस तरह से ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं और बड़े बड़े अपराधियों को मार गिराया है। अब एक बार फिर से यूपी एसटीएफ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में अनिल दुजाना नाम के गैंगस्टर को मार गिराया है। अनिल दुजाना टॉप गैंगस्टर्स में से एक था और उस पर यूपी समेत कई राज्यों में 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गाजियाबाद के रहने वाले अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। यह एनकाउंटर मेरठ में हुआ है। दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में रंगदारी फिरौती आदि के केस दर्ज हैं। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी दुजाना गांव का है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया। अनिल दुजाना के खिलाफ 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था हरबीर पहलवान की हत्या को लेकर। गौरतलब है कि अनिल दुजाना कुछ ही वक्त पहले जेल से जमानत पर बाहर आया था। ऐसे में यूपी एसटीएफ को लगातार जानकारी मिल रही थी कि वो कई लोगों को धमकियां दे चुका है और कुछ बड़ा करने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। बता दें कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जानकारी दी थी कि पिछले 6 सालों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 9000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जिसमें 183 अपराधी जान से मारे गए। 5000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों में ये भी बताया गया कि पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जबकि 1443 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।